गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज है एपिसोड 2। मैं डे 2 करके नहीं बनाऊंगा, डे 1 डे 2 करके मैं बनाऊंगा एपिसोड 2 करके, सो दैट के काफ़ी इजी रहे और अच्छा भी लगे देखने में। सो आज है एपिसोड 2 और एपिसोड 2 का हम लोग का जो प्लान है वो है जोना फॉल। और अभी हम जा रहे हैं दूर और एड्रेस मिलने के लिए। अरे यार ये कुत्ता तो कुछ अलग ही है, पागल। हाँ तो हम लोग कह रहे थे कि अभी हम जा रहे हैं अरोमा और वहाँ पर मीटअप का प्लान हमने रखा हुआ है। 5 बजे, कितना अंधकार लग रहा है यार इस मॉर्निंग में निकलने का मज़ा अलग ही है। सो हमने रखा हुआ है 5 बजे टाइमिंग और मुझे पता है कि मेरे साथ जो भी रहते हैं सबको मैं टाइम पे रखता हूँ। सो आज हमारे साथ जो राइडर हैं वो है हमारे सोनू भाई, एडवेंचर सोनू। और कल का जो राइड था हमारा, मतलब एपिसोड 1 का जो राइड था हमारा, वो काफ़ी शानदार था, बहुत ही मज़ा आया। सो होप आप लोगों को एपिसोड 1 काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। और अभी जो मेरा जो व्लॉग है, अभी तकरीबन 15-16 एपिसोड या फिर 20 एपिसोड तक का ये व्लॉग बन सकता है, तो डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड सिचुएशंस, देखते हैं कितना एपिसोड बनाते हैं। लेकिन कोशिश रहेगा कि मिनिमम ऑफ 15 या फिर 20 कंटिन्यूस एपिसोड बनेगा हम लोग का पूरे रांची के अराउंड। इसमें से क्या आउट ऑफ रांची का प्लानिंग भी है, सो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे उस जगह के बारे में। सो आप डायरेक्टली मतलब बने स्टे ट्यून रहना, सो दैट कि आप लोग को पता चले कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला इस बार। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑल माय एपिसोड्स। ये एक पूरा सीरीज़ रहेगा, मैं सीरीज़ का कुछ ना कुछ नाम दे दूंगा सो दैट कि आप लोग को ईजी पड़े अंडरस्टैंड करने में। सो चलिए मिलते हैं बाकी राइडर्स से। तो ये अपने कार्लोस, लेट लतीफ इंसान। गुड मॉर्निंग। हेलो इट्स मी सनी। हेलो यस, चलिए जोना फॉल। चलिए चलो जोना फॉल। चलो जोना फॉल। अच्छा ये पिलानी फॉल को देखा है? हाँ पतरातू हाँ है। कैसा? हम वो बोले नहीं गए, चला जाए क्या? चलिए उधर चलते। देख उधर क्या है? जोना साइड में क्या है? जोना में जोना वाटरफॉल मिलेगा। वाटरफॉल हाँ जा सकते हैं, मुझे तो गेदर की प्लॉट से मैं कवर कर लिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? काफ़ी लंबा नहीं पड़ जाएगा। अच्छा मतलब जोना फॉल के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ। सही रहेगा, जैसा बोलिए। कार्लोस तुम बहुत देरी करते हो। हाँ। तुम बहुत लेट लतीफ इंसान हो पता है, ऐसा लगा ये लेट करे पर तुम लेट कर रहे हो। चलिए निकलते हैं तब। कहाँ जोना फॉल निकल रहे हैं ना हम लोग? ठीक है। सो अभी हमारा टंकी फुल हो रहा है गाड़ी का, देखते हैं गाड़ी कितना फुल होता है। 452। सो गाइज हमने बहुत मुश्किल से डिसाइड किया कि हमें जाना किधर है, तो हमने डिसाइड किया जोना फॉल। प्लानिंग जोना फॉल का ही था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में थोड़ा सा लाल पानी वाटरफॉल का जब जिक्र हुआ तो लगा कि वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बट सोचा कि नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे इसको हम लोग। एक और चीज़ सबसे अच्छी बात मुझे रांची की ये लग रही है कि यहाँ का वेदर बहुत चिल्ड है यार, मस्त मज़ा आ रहा है, दैट्स वाई आई लव दिस प्लेस। रांची का एक चीज़ सबसे अच्छा मुझे ये लगता है इसका वेदर, सबसे बेस्ट है इसका वेदर। बाकी मुझे कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है यहाँ का, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। गाइस मैं लोगों के बारे में तारीफ करूँगा क्योंकि यस लोग अच्छे हैं यहाँ के, ऐसा नहीं बोलूँगा। सो अभी हम जा रहे हैं टाटा सिल्वे के साइड से जाएंगे, ये है दुर्गा स्वरण चौक। और काफ़ी भारी मात्रा में योगा वोगा चल रहा है भाई यहाँ पे, वर्कआउट कर रहे हैं लोग। चलो अच्छी बात है, हम भी योगा कर रहे हैं, हम भी मॉर्निंग राइड पर निकल रहे हैं। राइड पर निकलने का जो मज़ा है ना, उस चीज़ का तो अलग ही लेवल का है। सोनू सच में रास्ता देखा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये राइड कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बंदा देखा नहीं प्रॉपर तरीके से। आज तो हम अपनी आंखों से देखेंगे सनराइज़ का मज़ा लेंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, मज़े आप लोगों को पक्का आएंगे, ये बात तो श्योर है। और हमने ब्रश भी नहीं किया है। मतलब इतने वो है ना, हम लोग डेस्परेट है, क्या डेस्परेट बोल सकते हैं? नहीं डेस्परेट नहीं यार, मतलब हम लोग इतने इंथुजियास्टिक हैं, पागल लोग हैं कि हम लोग अब तक हम लोग ब्रश नहीं किए, बस जो दूसरा काम होता है वो हमने कर लिया है। अब तक काफ़ी अंधकार है और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन
तकरीबन 5:30 आगे जाके एक लेफ्ट टर्न डाइवर्शन मिलेगा जहाँ पे हम लोग को हुंड्रू फॉल भी जाने का ऑप्शन है, बट हम हुंड्रू फॉल नहीं जाएंगे क्योंकि हुंड्रू फॉल हमारी लिस्ट में आज नहीं है, हुंड्रू फॉल किसी और दिन किया जाएगा। ये सुबह सुबह अलग ही मज़ा आ रहा है, चिल्ड वेदर, जैकेट पहनने का मौका मिला, कुल्लू मनाली फीलिंग आ गया। और अभी तो जस्ट अक्टूबर का आई थिंक आज तारीख कितना है यार, आज तारीख है 21, अब 21 को ही जैकेट पहनना पड़ रहा है। अपनी साइड में से जैकेट पहनने का ऑप्शन इतना तारीख में नहीं आता है, नवंबर मिड में आई गेस आता है। सो ये जो रूट है ना, ये कहीं ना कहीं आप अगर चाहो तो इससे गोला, जैना मोड़, मतलब बोकारो, यहाँ से आप निकल सकते हो। ये भी एक रूट है, थोड़ा ये काफ़ी साइलेंट रूट है जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत दिन बाद जोना फॉल जा रहा हूँ। मुझे पता है जोना फॉल में जा चुका हूँ पहले भी, लेकिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया था अपने व्यूअर्स के लिए, तो इस बार मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने एपिसोड 2 में इस चीज़ को डाल दिया। सो अभी साइन बोर्ड देख रहे हो आप, साइन बोर्ड से अगर लेफ्ट जाओगे तो आपको हुंड्रू फॉल मिलेगा और स्ट्रेट जाओगे तो जोना फॉल मिलेगा आपको। सो अभी हम लोग घाट सेक्शन में हैं और घाटी सच में, मतलब घाटी का जो व्यू है ना वो दिख ही नहीं रहा ड्यू टू फॉग, इतना फॉगी वेदर हो गया है, पर बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिन के बाद यहाँ आ करके ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यस, मैं इन्हीं चीज़ों को ढूंढता था, इन्हीं चीज़ों को ढूंढ रहा था। इनफैक्ट कोरोना है मानते हैं, बट थोड़ा सेफ्टी के साथ अगर आप राइड करो कहीं जाओ तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एक्चुअली जितने भी राइडर्स होते हैं ना, सबका थिंकिंग ये रहता है कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी जो हम लोग कवर करते हैं, उसका जो मज़ा है ना वो अलग लेवल का है यार। कल हमने एपिसोड 1 में जो हमने कवर किया वो है 417 किलोमीटर्स, और इट वॉज ऑसम ब्लॉसम राइड। सब कुछ हमने देखा उसमें, ऑफ रोडिंग पैचेस, हाईवेज, हर चीज़। और आज हमें ऐसे नज़ारे मिल रहे हैं, इतना चिल्ड लग रहा है कि मेरा हाथ सुन्न हो जा रहा है। पर आप लोग के लिए व्लॉग तो करना पड़ेगा ना। सो अभी हम आ चुके हैं जोना फड़ वाले मोड़ में, ये है वो द्वार, आपको याद रखना है यहीं से राइट लेना है आपको। हाँ साथ में हाँ हाँ अब थोड़ा, तो इनका कहना है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का है ये, और पानी के अंदर जाना नहीं है, वैसे जाने वाले नहीं है हम लोग, जो भी करना है चीज़ें नहाना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय भी नहीं हुआ है, 8:30 बजे यहाँ खुलता है हम लोग गेट, वहाँ पे हम लोग टिकट लेते हैं। अच्छा बिफोर में आ गए, पहले हाँ हाँ हम लोग बाहर जाने वाले हैं इसलिए हम लोग सोचे कि घूम के चले जाते हैं। हाँ तो इस बार के जोना फॉल में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, वो ये है कि आप जितने भी एडवेंचर एंथुजियास्टिक हैं उनके लिए कुछ नया कुछ सेटअप किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आई थिंक इसका भी प्राइस देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि टिकट काउंटर यहाँ दिख रहा है। सो हम लोग समय से पहले आ चुके हैं, तो एंट्री मिल गया हम लोग को, अदरवाइज़ खाली हाथ लौटना पड़ता। सो हमारे साथ जो जा रहे हैं वो टूर गाइड, पहली बार ऐसा हो रहा है कि टूर गाइड के साथ जाना पड़ रहा है हम लोग को, थोड़ा अजीब लग रहा है पर क्या करें, आदत नहीं था। पहले आ चुके हैं जोना फॉल के नीचे साइड, तो आप व्यू देखते हैं, सो गाइज इस जगह बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पे नेटवर्क का उतना कोई खास फैसिलिटी नहीं है, आपको यहाँ पे खाने पीने का कोई खास फैसिलिटी मिलेगा नहीं। पहले यहाँ पे खाने पीने का चीज़ हुआ करता था, तो अब मिलता नहीं है। सो आप लोगों को अपना पर्सनल बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जितने भी खाने पीने के जो चीज़ हैं वो सबको लेकर आना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो खाने के लिए, तो अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना कैंपिंग वैम्पिंग के लिए भी आप आराम से कर सकते हो। कैंपिंग वही है कि परमिशन लेना पड़ेगा आपको यहाँ के जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे आपको लेना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो कैंपिंग के लिए तो।
और ये वाटरफॉल में एक्चुअली पहले आ चुका हूँ, लेकिन पहले इतना रूल्स रेगुलेशन नहीं था। ये रूल रेगुलेशन जो है ना कहीं निब्बा निब्बीज़ की वजह से ये हुआ है, क्योंकि कुछ लोग जो सेल्फीज़ लेते हैं और सेल्फी लेते लेते जो जिनका यू नो एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है, उनकी वजह से सब चीज़ हुआ है। और मुझे लगता है कि वाटरफॉल के करीब जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वाटरफॉल दूर से ही अच्छा लगता है, पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तो नए रूल्स में ये भी हुआ है कि 8 बजे से पहले आप नहीं आ सकते वाटरफॉल, तो आपको जो है 8 बजे तक का वेट करना पड़ेगा इसके बाद ही। तो हमें हमने कुछ बहाना किया, हमने बोला कि एक्चुअली हमें बाहर जाना है, इसलिए हमें परमिशन मिल गया। और पर हेड जो है आपको चार्ज लगेंगे यहाँ वाटरफॉल का आने के लिए टिकट काउंटर में, वो है 7 रुपीज़ पर हेड। और बाइक का पार्किंग चार्ज अलग रहेगा। पार्किंग लॉट में आपको खाने पीने का फैसिलिटी वगैरह है वहाँ पे, अगर आप चाहो तो वहाँ पे खा सकते हो। दैट्स ऑल गाइस इस वाटरफॉल के बारे में। और ये वाटरफॉल जोना फॉल है जो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत है। और मैं पिछले 1 साल से अब तक आया नहीं था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी काफ़ी क्लीन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी क्लीन वाटर है। और बोला जा रहा है कि इस बार वाटर ना काफ़ी गहरा हो चुका है, यहाँ पे 20-30 फीट गहरा पानी हो चुका है, तो बहुत लोग यहाँ पे गिरे हैं और बहुत लोगों का डेथ भी हो चुका है। सो बहुत दुख लगता है कि अपने ही वाटरफॉल में बहुत रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो रहे हैं ड्यू टू सम पीपल। सो गाइज़ अगर आप लोग आते हो प्लीज़ वाटरफॉल करीब मत जाना, यहाँ पे दूर से ही वाटरफॉल का मज़ा लेना, क्योंकि वाटरफॉल दूर से ही अच्छा लगता है। हाँ, और मेरे कुछ दोस्त लोग सब फोटो सेशन कर रहे हैं, मुझे पता है कि बिना फोटो सेशन के वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। सो एपिसोड 2 का आप लोगों के लिए यही था वाटरफॉल, और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये वाटरफॉल। सो देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो हम लोग शायद सीताफॉल भी जाएंगे, क्योंकि सीताफॉल भी बगल में है, और नहीं जाएंगे तो यू नो जस्टिस हो नहीं पाएगा, और एक ही रूट में है तो जाना ज़रूरी है। पता नहीं वहाँ पे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, 8 बजे के बाद वहाँ पे रूल्स वगैरह होगा, क्योंकि ये वाटरफॉल का जब नियम कानून ऐसा है तो वहाँ पे भी नियम कानून ऐसा ही होना चाहिए। सो 8 बजे बाद हम यहाँ से मूव करेंगे, सो दैट कि हमें सीताफॉल में एंट्री करने का मौका मिले, एंट्री मिल जाए हम लोग को। जितने ही बंगाल हैं और जो अदर स्टेट्स के लोग हैं, आप लोग आराम से आ सकते हो, कोई ऐसे COVID-19 ऐसा कुछ आप लोगों को ज़रूरत नहीं, रिपोर्ट वगैरह आराम से आ सकते हो आप लोग। सो बस खाली मास्क कैरी करना आप लोग, जो बहुत ज़रूरी है। मैंने तो मास्क हटा दिया है, क्योंकि अभी ब्लॉगिंग करते वक्त यू नो काफ़ी क्लियर आवाज़ चाहिए ऑडियंस को, दैट्स वाई। सो ये अपना वाटरफॉल, एक्चुअली उस साइड से भी आने का रास्ता है, अगर आप लोग आना चाहो तो उस साइड से भी आ सकते हो। तो उस साइड के लिए आपको डिफरेंट रूट लेना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल गाइस। एक और चीज़ मैं ब्लॉग में बताना भूल गया, वो चीज़ ये है कि आपको ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलता नहीं है। सो अगर आप पर्सनल कार अगर है आपके पास तो ही आप आ सकते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ टैक्सी या टेम्पो ऐसा कुछ चलता नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह से मतलब एक मोड़ से आपको जो है ना वहाँ टेम्पो अगर रिज़र्व कर सकते हो आप, वैसे डायरेक्टली टेम्पो आता नहीं है, ओला उबर भी यहाँ तक आता है। और इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि आपको रेलवे में अगर आपको आना है तो रेलवे से अगर आपको आना है तो जोना स्टेशन करके है वहाँ तक आप आ सकते हो, फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस करके आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। सो ट्रांसपोर्ट का बस इतना ही फैसिलिटी है। सो मुझे लगता है कि बेटर ही रहेगा अपना पर्सनल व्हीकल लेकर के आओ, ज़्यादा बेटर है। और आपको यहाँ पर रेंटिंग फैसिलिटी भी आजकल रांची में आ चुका है, मतलब बाइक्स एंड कार्स, तो आप वहाँ पर रेंट करके भी आप जो है आराम से अपना यू नो ट्रैवल इजी कर सकते हो। सो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक अपडेट है। चलो फिर कार्लोस भाई, आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ करके? बहुत अच्छा लग रहा है, और जोना फोना फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मतलब रात बहुत आते आते थे लेकिन जोना फोन कभी नहीं आया। एक दो और ये दिखाओ, अरे हां ये बहुत बढ़िया लग रहा है।